Question number 7, we are given the vertices of a triangle ABC. So rough figure we will draw. Vertices jo hain that are given to be 4, 2, 6, 5 and 1, 4. And we are to find, we are given the median from A meets BC at D. Find the coordinates of the point D. Jab hum yahan A se median draw karte hain, so that meets BC at D. You know that jo aapka median hai, wo opposite side ko kahan pe meet karta hai, midpoint. Yani ki D is the midpoint of BC. So yahan aap likh loge, AD is the median to BC. This implies D is midpoint of BC. D जो है वो आपका BC का midpoint है. Now find the coordinates of D. क्या क्या आएंगे coordinates D के? हाँ जी. Yes, 7 by 2, 6 plus 1 by 2 and 5 plus 4 by 2. So this is your first part. Now in the second part, find the coordinates of the point P on AD such that AP ratio PD is 2 ratio 1. Ye point P hai. This ratio is given to be 2 ratio 1. We are to find the coordinates of P. So second part ke liye, you will write down P divides AD in the ratio 2 ratio 1. A jo hai? No, no. Three parts. Two parts on one side and one part on the other. जो आपका सम ऑफ रेशियो बन रहा है ना, उतने टोटल पार्ट बोले. ठीक है, सो पी डिवाइड्स एडी इन द रेशियो 2:1. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, यहाँ पे ये आप अपनी ईज के लिए फिगर ऐसे बना सकते हो. ए के कोऑर्डिनेट्स 4:2 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स 7:2 एंड 9:2. ठीक है, आपको इस तरह से कन्वीनियंट रहेगा. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर 2 into 7 by 2 plus 1 into 4 upon में 2 plus 1 and y coordinate के लिए 2 into 9 by 2 plus 1 into 2 upon में 2 plus 1. इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट योर आंसर. तो ये 2 आपका इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये 2 इससे कैंसिल आउट हो गया. सो वी आर लेफ्ट विद 7 plus 4 11 by 3. And यहाँ पे 9 plus 2 11 by 3, वो था सेम. ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे. यहाँ पे सिंपली हमने जो है सेक्शन फॉर्मूला लगाया है फॉर द थर्ड पार्ट. वो कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू एंड आर ऑन मीडियंस बीई एंड सीएफ रिस्पेक्टिवली सच दैट बीक्यू रेशियो क्यू इज E is 2:1 and CR ratio RF is again 2:1. तो हमें यहां तक इरेज कर दूं. अब फिगर आप अपने हिसाब से दोबारा बना लो, चाहे तो आप एक ही फिगर में शो कर सकते हो. मैं अलग फिगर इसलिए बना रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको. अब B से BE जो है वो अगेन मीडियन है. बी से ए सी पे हमने मीडियन ड्रॉ किया और एक पॉइंट क्यू है कि आर है. क्यू क्यू जो है वो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम वे में वी आर टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई. फिर क्यू इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो वी आर टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू. सेम पार्ट बट जो वर्टिसेस हैं वो चेंज हो गए. तो आप यहाँ पे लिखोगे थर्ड पार्ट के लिए A, BE is
median to AC. So E is the midpoint of AC. So we have to find the coordinates of E. क्या आएंगे E के कोऑर्डिनेट? A और C को ले लोगे, 4 + 1/2, 4 + 2/2, 4 + 1/2 and 4 + 2/2. So this is 5/2 and 6/2, that is 3. Now second part इसी का, Q divides BE in the ratio 2:1. So the coordinates of Q are, again अपनी ईज के लिए अब ये पॉइंट हम Q ले लेंगे और ये कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे हम B और E के. B is 6.5 and E कितना निकाला है हमने, 5/2.6. चलो नाउ x कोऑर्डिनेट के लिए 2 × 5/2 + 1 × 6 और फिर 2 × 3 + 1 × 5 अपॉन में सम ऑफ रेशियोस. सो 2 × 5/2 2 × 3 + 1 × 5 / 2 + 1. Yes. This is ये 2 से 2 cancel out हो गया. एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे गड़बड़ की है, कुछ कैलकुलेशंस में मिस्टेक है, चेक करो. सम मिस्टेक इज देयर इन द कैलकुलेशंस बिकॉज दिस विल बी अगेन जो प्रीवियस वन है उसी की तरह आएगा. 11/3, 11/3 कहाँ पे? 1 × 6, दिस इज 6. क्योंकि मीडियन आपका बनता है जहां से मीडियन क्रॉस करते हैं वो सेम पॉइंट से क्रॉस करते हैं, तो वैल्यूज सेम आती है. मैंने यहाँ मिस्टेक की थी, 2 × 5/2, 1 × 6 था, मैंने 3 लिख दिया. ठीक है, सो ये आपका 5 + 6 is 11/3, दिस इज ऑल्सो 11/3. सो दीज आर द सेम एज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी. अब ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में इसी के मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसने क्या कहा, सेम वे में सी से एफ पे सी एफ जो है वो मीडियन ड्रॉ किया गया, तो इसी तरीके से आप जो आर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी निकाल दो. विल यू बी एबल टू डू दैट नाउ? आप आर के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो आपके वो भी यही आएंगे, 11/3, 11/3. ठीक है, हो जाएगा ये. अब आगे वो क्या कह रहे हैं फोर्थ पार्ट में, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या ऑब्जर्व किया जब आपने कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकाल लिए, क्यू निकाल लिए, आर निकाल लिए, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? दैट ऑल द कोऑर्डिनेट्स आर रिप्रेजेंटिंग द सेम पॉइंट. ठीक है, ऑल दीज पॉइंट पी क्यू आर जो है दे कोइंसाइड, क्योंकि उनकी वैल्यूज एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की सेम आ रही है, तो इट मीन्स दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम पॉइंट. इट मीन्स कि मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल मीट एट अ पॉइंट, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड. ठीक है, क्या कहते हैं हम इस पॉइंट को, सेंट्रॉइड. मीडियन मीट या पास थ्रू सेम पॉइंट. नीचे स्टार डाल के लिख लो, मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल मीट एट अ पॉइंट कॉल्ड सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, उस ट्राइंगल का उसको क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड, जहां पे मीडियंस मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 7. इफ एनी डाउट ऑफ यू. हाँ जी, ओके. इन द फिफ्थ पार्ट, इफ ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, ए हमें गिवन है x1 y1, बी हमें गिवन है x2 y2, सी हमें गिवन है x3 y3, अगर ये कोऑर्डिनेट होते ट्रायंगल एबीसी के, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल. अब यहां देखो एक बार,
ये क्या वैल्यू आ रही है, 11/3, 11/3। हमने क्या करना है, तीनों एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके बाय थ्री करो एंड चेक इफ दिस इज अ रिजल्ट और नॉट। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है क्योंकि जो ये हमें शो करके दिखाना है आपके एमसीक्यू के फॉर्म में आने हैं क्वेश्चंस, तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करोगे, फॉर्मूला बेस्ड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब इसके तीनों एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करो, क्या आएगा ए बी सी के, 4 + 6 + 1 दैट इज 11/3, देन 2 + 5 = 7 + 4 11/3। यानी कि सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बुक में ही लिख लो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल ये वाला जो पार्ट था आपका एक्चुअल में वो इसकी डेरिवेशन थी, तो दैट यू नीड नॉट डू नाउ विद वर्टिसेस x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 आर x1 + x2 + x3 by 3, y1 + y2 + y3 by 3। ये हाँ जी, सेंट्रॉइड में अपॉन में थ्री करते हो आप, एक तरह से आप मतलब जैसे मीन निकालते हो, दैट काइंड ऑफ हो गया, है नहीं है वैसे बट यू कैन सी, ठीक है, फॉर्मूला में बाय थ्री, क्योंकि सेंट्रॉइड जो है वो 2:1 में डिवाइड करते हैं, तो जब सम ऑफ रेशियो जब आप लोगे तो दैट इज 2 + 1 = 3, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट में भी सेम, y1 + y2 + y3 by 3। तो ये आपको लर्न करने हैं, इससे बेस्ड आपका क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, सेंट्रॉइड निकालना होगा, या कोई दो कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, बीच में एक अननोन क्वांटिटी बना के आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू गिवन होगी, तो जब आप उनको इक्वेट करोगे यू विल गेट योर आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय दिस, आपको रेक्टेंगल के वर्टिसेस गिवन है, पी क्यू एंड आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, इज द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस अ स्क्वायर, अ रेक्टेंगल और अ रोम्बस, जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहले आपको जो रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, वर्टिसेस गिवन है, उनसे आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट पी क्यू आर और एस। पी मिड पॉइंट गिवन है ए बी का, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड एस इज द मिड पॉइंट ऑफ डी ए। चारों के वर्टिसेस गिवन है, यू कैन फाइंड आउट द मिड पॉइंट। उसके बाद चेक करना है कि कौन सी टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, तो यू आर टू फाइंड ऑल द साइड्स एज वेल एज द डायगोनल। कंपेयर कर लोगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल, देन दिस इज स्क्वायर, ऑल साइड्स इक्वल, डायगोनल्स अनइक्वल, रोम्बस, ऑल साइड्स ऑपोजिट जो है, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल, डायगोनल्स इक्वल, देन रेक्टेंगल, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल, डायगोनल्स अनइक्वल, तो पैरेलोग्राम। वैसे उन्होंने तीन ही पूछे हैं आई थिंक, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्ब। चलो जी, कर लोगे कि करवाऊं? ओके, नाउ वी आर टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 12। इसके मैंने एमसीक्यूज आपको सेंड किए हैं, हैव यू सीन एमसीक्यूज, मैंने इसके सेंड किए हैं, देखे हैं किए, तो आज सैटरडे है, यू कैन ट्राई दीज, ठीक है। और जो आपके बीच में पार्ट होंगे, आपसे नहीं होंगे, उनको मार्क कर लेना, ड्यूरिंग द रिवीजन जब हम करेंगे देन आई विल डू। फिर इसके साथ आपको और भी मैं सेंड कर दूंगी, जितने मैक्सिमम आप करोगे एमसीक्यूज तो उतना आपका होल्ड होगा। सेम वे में आपके जो जरूरी नहीं है कि एमसीक्यू की फॉर्म में आएगा, केस स्टडी भी आ सकती है कि आपको एक ऊपर कोई भी केस दे दिया जाएगा, कोई भी कंडीशन दे दी जाएगी, सिचुएशन दे दी जाएगी, बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू गिव द आंसर होंगे। उसमें आपका सारा ये टेंथ वाला मैथमेटिकल कंसेप्ट ही यूज होगा, बट क्वेश्चन थोड़े से घुमा फिरा के देखो, ठीक है। अब आपकी मेन जो है दैट इज की कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी बीच में से वो उठा के, और जो आपके ये होंगे ऑप्शन होंगी वो बहुत क्लोज होती हैं एक दूसरे के, तो बहुत प्रैक्टिस करनी, ठीक है। मतलब एज सच ये नहीं है कि बहुत ईजी हो गया है काम, उल्टा आपका काम टफ हो गया, तो जो इसकी
इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, जो थ्योरी है वो ध्यान से पढ़ो। चैप्टर की जिस दिन इंट्रोडक्शन दी जाती है उस दिन आप एक बार एनसीईआरटी के गो थ्रू हो थ्योरी से, जो आपको लगता है कि ये वन मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, अंडरलाइन दैट एंड ड्यूरिंग योर एग्जाम डेज जो अंडरलाइन है आपकी स्टेटमेंट या जो भी है उनको आप सिर्फ रीड आउट करो। सो नाउ मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। देखो अभी तक जो आपने क्वेश्चन किए हैं सर्कल पे बेस्ड आप कर रहे थे, सर्कल का आप एरिया निकाल रहे थे, सर्कल का आप पेरीमीटर निकाल रहे थे। व्हाट अबाउट कि अगर मुझे पूरे सर्कल का एरिया या सर्कमफ्रेंस ना निकाल के उसके सम पार्ट का एरिया या सर्कमफ्रेंस मतलब लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है, सो दैट वी विल डील विद दिस चैप्टर। अभी तक हमने जो है सर्कमफ्रेंस क्या किया था, किसके इक्वल होता है, क्या फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस का, 2πr। वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, एरिया का क्या फॉर्मूला लेते थे, पाई आर स्क्वायर। अब बुक में ही आपके गिवन है, देखो पेज नंबर 224 पे फिगर गिवन है। इसमें इन्होंने क्या किया, ये आपका सर्कल गिवन है ये वाला, ठीक है, इसमें उन्होंने नेमिंग दे दी, इसके डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट सेक्टर्स में इसको डिवाइड किया, उनको नेमिंग दे दी 1 से लेके 16 तक, यानी कि टोटल 16 पार्ट्स में डिवाइड किया। उसके बाद हर इस एक पार्ट को अलग निकाल के इस वे में अरेंज कर, ठीक है। अब अगर आप इस वाले फिगर को देखो तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे, जिसका जो लेंथ है आपका वो किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दिस इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, लेंथ क्या हो जाएगी, हाफ इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और जो उसकी ब्रेथ होगी वो किसके इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। हमने क्या किया, ये जो हमें सर्कल गिवन था इसको 16 पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये 16 के 16 पार्ट इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर उन्होंने बाहर निकाल लिए, फिर इनको अरेंज किया किस तरीके से, ये पहला सेक्टर अरेंज कर दिया, ठीक है, दूसरा सेक्टर ये ऐसे अरेंज कर दिया, फिर थर्ड वाला सेक्टर ऐसे अरेंज किया, फोर्थ वाला ऐसे अरेंज किया, तो इट मींस आपके टोटल 16 में से 1, 2, up to 8 इधर आए, ठीक है, और 8 किधर आ गए, इधर, तो लेंथ क्या होगी, दैट इज हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, क्योंकि आधी सर्कमफ्रेंस यहाँ आई आधी यहाँ पे आ गई, गॉट इट। तो लेंथ क्या हो गई, हाफ इंटू सर्कमफ्रेंस, दैट इज पाई आर। ब्रेथ जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ब्रेथ क्या हो गई, आर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि पाई आर इनटू आर, तो ये क्या बन गया आपका, पाई आर स्क्वायर, तो दिस इज द एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में किया होगा। अब हम क्या करेंगे, हमने ये एरिया ऑफ सर्कल नहीं लेना, हमने एरिया ऑफ जो है सर्कल उसका एक पार्ट लेना, यानी कि लेट अस सपोज कि मैंने ये वन पार्ट ले, ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि इसके लिए मुझे क्या कंडीशंस लगानी है, सर्कल का जो एरिया था उसको देखो, इसमें ये हमारा यहाँ पे एंगल कंप्लीट एंगल बन रहा था 360 डिग्री का, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक कर लेंगे कि एंगल कितना बन रहा है, ठीक है। मैंने मान लिया यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, ये एरिया मुझे 360 डिग्री के लिए गिवन था, एरिया मुझे किसके लिए निकालना है, थीटा के लिए निकालना, तो यूनिटरी मेथड यूज करोगे, फॉर 360 डिग्री
एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। वन डिग्री के लिए कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाय 360। कितने के लिए निकालना है? थीटा के लिए। तो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय थीटा, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। गॉट इट? ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लो, दिस यू हैव टू लर्न, क्योंकि एक फुल सर्कल का एरिया आपके पास जो है वो पाई आर स्क्वायर आता है, यहाँ पे सेंटर पे एंगल आपका 360 डिग्री बनता है, तो फॉर द सेंट्रल एंगल 360 डिग्री एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, फॉर द सेंट्रल एंगल 1 डिग्री एरिया इज पाई आर स्क्वायर अपॉन थीटा, फॉर द सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 360 पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इनटू थीटा। Now, same way में we can find out the this length of the arc. Circumference से same way में हम length of arc निकालेंगे। ये हो गया note down, कर दूँ इरे? अब सेम वे में देखो, जो आपकी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है दैट इज 2 पाई आर, सेंट्रल एंगल 360 बन रहा है, मुझे मान लो ये वाली लेंथ निकालनी, दिस लेंथ ऑफ आर्क आई हैव टू फाइंड आउट, यानी कि सर्कल के इस वाले पार्ट की लेंथ निकालनी है। अगेन एंगल मैंने ले लिया थीटा, फॉर सेंट्रल एंगल 360 डिग्री सर्कमफ्रेंस कितनी है हमारी, यहां से स्क्वायर था यहां करेक्शन कर लेंगे, for the central angle 360 degree circumference is 2 pi r, for the central angle 1 degree this will be 2 pi r upon 360 degree, for the central angle theta this is 2 pi r theta upon 360 degree. So length of arc is given by 2 pi r theta upon 360, or you can say pi r theta upon 180 also. ये 2 और 360 आप cancel out कर दोगे, so you will be having pi r theta upon 180. दोनों में से आप किसी भी तरीके से जो आपको convenient लगे you can learn in that. So ये दो formulae जो हैं आपके next जो है इसमें use होने हैं. हाँ जी? नहीं, ये तो रेडियस है ना, ये नहीं लेना, लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये थी, हाँ सर्कल का एक पार्ट कोई भी, मतलब सर्कल की सर्कमफ्रेंस का पार्ट ले, ठीक है, गॉट इट? ये रेडियस है, ये नहीं कंसीडर होगा. अब मान लो मैंने ये लेंथ ऑफ आर्क निकाल ली, थीटा एंगल बन रहा था, सो दैट इज गिवन बाय पाई आर थीटा अपॉन 360. सेम वे में अगर मुझे एरिया निकालना है ये वाला, तो दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. अब अगर मुझे ये एरिया फाइंड आउट कर, इसका भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला करेंगे, दिस एरिया इज गिवन बाय एरिया ऑफ दिस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है? देखो मुझे जो ये शेडेड है रीजन, इसका अगर एरिया फाइंड आउट करना है, आई एम गिवन दिस सेक्टर और ये नीचे वाला एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, यानी कि इस पूरे में से अगर मैं ये ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करूं तो आई विल गेट दिस एरिया, ठीक है? तो इसका भी फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला है दैट यू कैन राइट डाउन, क्योंकि उससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है. अब ये क्या पार्ट है? सेगमेंट है, ये सारा किया हुआ है ना, सेक्टर सेगमेंट. So this is the area of the minor segment. So area of minor segment. किसके equal है? Area of sector minus area of the triangle. So area of sector क्या होता है आपका? इसमें से minus करना है हमने, उसके लिए आप direct formula use करोगे, half
आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, जीरो से 90 के बीच में वैल्यू होगी। इन केस अगर वो वैल्यू आपकी उससे बड़ी है तो वो कैंसिल आउट हो जाती है, वैल्यू इस तरीके से गिवन होती है। जो भी गिवन होगी, मान लो मुझे 30 डिग्री गिवन है, साइन 30 मुझे पता है, नहीं आप अगर वो वैसे तो ऐसे आते ही नहीं है, इन केस अगर वो आपको साइन 40 देते भी हैं तो ब्रैकेट में उसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है, क्योंकि आपका जो 10th लेवल पे है उसमें जो आपको एंगल्स करनी है दैट आर 0 देन 30 45 60 एंड 90, इसमें 120 वाले भी हैं, कंसेप्ट है बट दैट इज अ डिलीटेड पार्ट, तो इसीलिए फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला करवा देते हैं, उसकी वैल्यू गिवन होगी। वैसे तो आता ही नहीं है बट इन केस इफ इट विल कम तो वो वैल्यू आपको गिवन, ठीक है। चलिए आगे, फॉर्मूलाज क्लियर है। अब इसी तरीके से अगर आ जाता है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, फिर क्या करो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, माइनस सेगमेंट का एरिया निकाल लोगे, उसको एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दोगे। देखो ये दो सेगमेंट्स बन रही हैं, दिस वन इज द मेजर, दिस वन इज द माइनर। अब मुझे जो एरिया निकालना है वो किसका निकालना है, इस वाले पोर्शन का। तो सर्कल के एरिया में से ये हम क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। मतलब मेन जो हमें लर्न करना है, माइनस सेगमेंट का फॉर्मूला लर्न करना है, मेजर का निकालने के लिए माइनस कर दो। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन, एक्सरसाइज 12.1, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हमें दो सर्कल्स गिवन है जिनके रेडियस गिवन है, फर्स्ट वाले का 19 सेंटीमीटर, सेकंड वाले का 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द टू सर्कल, ठीक है। क्वेश्चन समझो क्या गिवन है, दो सर्कल्स गिवन है विद रेडियस 19 एंड 9, एक सर्कल ये हो गया 19 सेंटीमीटर के साथ, एक सर्कल ये हो गया विद रेडियस 9 सेंटीमीटर। अब वो क्या कह रहा है कि थर्ड सर्कल का रेडियस मुझे कैलकुलेट करना है, हूज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ दीज टू सर्कल। स्टेटमेंट समझ आई, इसकी सर्कमफ्रेंस निकाल लो, इसकी सर्कमफ्रेंस निकाल लो, दोनों का सम ले लो, दैट विल बी द जो सम आएगा, दैट सम विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। तो इसका रेडियस निकालना है, यानी कि पहले इसका सर्कमफ्रेंस निकाल लो, इसका सर्कमफ्रेंस निकाल लो, दोनों को ऐड कर लो, जो एडिशन करके आपका सम आएगा दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। तो 2 पाई कैपिटल आर ले लोगे यहाँ इसका रेडियस, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू इन दोनों के सम के इक्वेट कर दोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर, हो जाएगा। क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल 19 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल 9 सेंटीमीटर, कैसे, हाँ आप उसमें लिख सकते हो, इसको मान लो मैंने स्मॉल आर वन ले लिया, उसको स्मॉल आर टू ले लिया, तो यू कैन राइट इट डाउन एज 2 पाई आर वन प्लस 2 पाई आर टू इज इक्वल टू 2 पाई आर, यस डेफिनेटली यू कैन राइट। अब देखो हमें उसने कहा फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल, सो लेट द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज आर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं, सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट टू सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल,
आप चाहो तो इनको अलग अलग भी लिख सकते हो, पहले फर्स्ट वाले सर्कल की सर्कमफ्रेंस निकाल लो, फिर सेकंड वाले की निकाल लो, दोनों का सम इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वेट कर दो, अदरवाइज यू कैन डू इन दिस वे आल्सो। अब सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट टू सर्कल्स इज, इसको आर वन डिनोट कर दो, इसको आर टू डिनोट कर दो, तो टू पाई आर वन प्लस टू पाई आर टू इज इक्वल टू टू पाई आर। यहां से जब आप ऐसे इक्वेट करते हो तो कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं। कैसे, टू पाई यहां से कॉमन ले लो, कैंसल आउट हो जाएगा, टू पाई कैंसिल हो गया, तो दोनों रेडियाई का सम इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो ये वन मार्क में जब आपका एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, वेन एवर यू आर गिवन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स और ये कंडीशन आपको गिवन होती है, तो आपने डायरेक्ट रेडियाई ऐड कर देने हैं एंड यू विल गेट योर आंसर, यू नीड नॉट राइट ऑल, सो दिस विल सेव योर टाइम। 28, ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, नोट डाउन कर लो इसको। हाँ बिल्कुल सेम है, उसने आपको एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ द फर्स्ट टू सर्कल्स इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द थर्ड सर्कल। सो सेकंड क्वेश्चन इज योर होमवर्क पार्ट, फर्स्ट वाले में आपको सर्कमफ्रेंस गिवन था, इन द सेकंड क्वेश्चन यू आर गिवन द कंडीशन सम ऑफ एरियाज ऑफ फर्स्ट टू सर्कल्स इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द थर्ड सर्कल, तो पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, कैपिटल वाला आर वो आप लेके चलोगे। सो सेकंड क्वेश्चन इज योर होमवर्क पार्ट, मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, ये ध्यान से करना, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, 2 मिनट, चलो दैट वी विल डिस्कस ऑन मंडे। क्वेश्चन नंबर 5 तब तक हम डिस्कस कर सकते हैं, दिस वी विल बी एबल टू डू इन 2 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में वी आर गिवन टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस, इफ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, कि उनकी जो वैल्यूज हैं अगर वो इक्वल गिवन है, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया आर न्यूमेरिकली इक्वल, यानी कि 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सो व्हाट कैन यू से अबाउट द रेडियस, इट विल बी 2 यूनिट्स, पाई यूनिट, 4 यूनिट्स और 7 यूनिट्स, कैंसिलेशन करो क्या आएगा, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर कट गया, तो आर इज इक्वल टू क्या रह गया, 2, यानी कि इट विल बी 2 यूनिट। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 वी विल डिस्कस ऑन मंडे। In your homework part, you are to do question number 2 as well as you are to write down your important concepts and your previous chapter by Monday you should send to me. Monday ke baad jinka aayega, that will be the defaulters. And you know that you are having the internal assessment part.